बना के रखी हुई थी, तो उनको जाते हुए दे दूंगी। उसके कभी तक मुझे मजा नहीं आई है, एक और बना दे तुम उनको इसलिए। तो आप कितने पैसे लेंगे? ये कौन है? एक सेकंड मैं देखती हूँ, पता नहीं कौन आया है। ट्यूशन के लिए आया था क्या? हाँ, मैंने आपने कहा था ना ट्यूशन के लिए। जी जी ठीक है, तो किसके लिए? आप देखिए यहाँ पे कुछ है, तो मैं चप्पलें उतार लूँ बाहर। चप्पल उतार देता हूँ। ठीक है ठीक है, इंटरव्यू। तो आप क्या लेंगे? पैसों के लिए तकरीबन आप जो जितने भी पैसे दे देते, 2000 दूंगा वैसे तो मैं। आप 1000 लेंगे? 1000 भी डन है। क्या 10 रुपीस? 5000 ठीक है, मैं ले लूँगा 1000। ठीक है ठीक है ठीक है, 1000 ठीक है। तो आपकी बेटी है? मेरी कौन सी ग्रेड में हो? वो 9 है। ओ, वो असल में थोड़ा ना बड़ी है, वो 18 है। ओके, तो वो 10 ग्रेड में, 10 ग्रेड। चले अब आप ले आए जरा जल्दी से। सारा है ना उसका नाम? नहीं, दुआ। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। दुआ बेटा। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि आप क्या पढ़ना चाहती हो ज्यादा? मैं ज्यादातर मैथ्स आर्ट्स और अच्छा, अब आपको मैथ्स और ज्यादा ये अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं जरा अपना पेन देख लेता हूँ। मैं ग्रेड 10 में हूँ और मेरा नाम दुआ है। ठीक है दुआ खान, आप बड़ी अच्छी बेटी है। अब आपने काम ये करना है, देखें देखें देखें, यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशंस करनी है जो मैं दे रहा हूँ आपको। मल्टीप्लिकेशंस ये करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो फिर इसको आपने करना है जैसे आप याद हो। बना दिया आपने? ये ना, अब आप करें। ठीक है, अच्छा अब आप कॉपी कर लें जो चाहिए आपको इसमें कर लें। एक मिनट ये देखना, देख के किसकी कॉपी है? मैथ्स की। अच्छा ठीक है मैथ्स की, ठीक है कर कर इसको कॉपी कर लें और काम करिएगा। ठीक है मैं देखता हूँ आप कितना अच्छा काम करती हैं। फिर अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी छुट्टी दे दूंगा क्योंकि मैं जो बच्चियाँ, मैं छुट्टी लेना क्योंकि मैं असल में छुट्टियाँ बहुत करती हूँ ना ट्यूशन के। असल में ना मेरा एक और ट्यूशन का डे है, सुबह मैं जाती हूँ फिर मैं रात में भी पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम जोर होते हैं ना। ओके ओके बेटा, अब आप करें, बस अब आप करें, कॉन्सेंट्रेट करें। फिर अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं आपको बहुत जल्दी छुट्टी दे दूंगा।
आप छुट्टी जल्दी में देखा, मुझे असल में ना पढ़ने में आसान नहीं होती, तो आप अभी पहले समझा दीजिए। ठीक है, जो आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो आपको समझा दूंगा। मेरा भाई तो अच्छा पढ़ने में, मुझे नहीं समझा सकता क्योंकि वो 9th ग्रेड में नहीं है, वो असल में अभी 5th ग्रेड में। ओ, वो आपसे छोटा है? नहीं इतना छोटा नहीं है, मैं 18 इयर्स की हूँ, वो 10 इयर्स। ओके ओके बेटा, क्योंकि मैं तो आपको पता है मैं आपसे आगे हूँ, मैं ऑफिस में पढ़ता हूँ, मैं अब आपको टीच करूँगा ट्यूशन। तो जी करें 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 काम करें, जो आपको नहीं समझ आया ना मुझे प्लीज बताइएगा। भाई तो वे आपके तीन, आपके एक और दो भाई और है या एक बेटी और एक भाई है? नहीं, मैं और मेरे दो भाई हैं। ओ, एक 10 इयर्स का है और एक 12 इयर्स का है। ओके, ओ सॉरी सॉरी, वो 12 का नहीं है, 14 का है। ओके गुड, 14 का है। और जो वो 14 वाला है वो जी जी ठीक है, अब बस आप काम करें ठीक है, ये समझा लीजिए। जल्दी से बात की, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है।